मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार यहां पर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जहां पर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। हालांकि मुद्दे क्या है, किस पार्टी को वोट कर रहे हैं, ये तो नतीजे सामने आने के बाद ही पता चल सकेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो एक सुखद तस्वीर के तौर पर देखी जा रही हैं। गांधरबल में मतदान की ये पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी पहुंची हुई हैं और जन भागीदारी निभा रही हैं, अपने कीमती मत का प्रयोग कर रही हैं। पुलवामा में जहां पर सबसे ज्यादा आतंकवाद सक्रिय रहता है, वहां पर भी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, जो बेहद ही खास तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बड़गाम में भी लगातार आतंकी सक्रिय रहते हैं और यहां पर भी धारा 370 हटने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है ताकि मतदान के बीच कोई दिक्कत ना आने पाए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कहां कहां पर कितने प्रतिशत वोट हो चुके हैं। बिहार में अब तक 22.54% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है। झारखंड में अब तक 27.40% ऐसे लोग हैं जो वोट कर चुके हैं, तो लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, 32.78% लोगों ने मतदान कर लिया है, तो लगातार अभी शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी और उससे पहले के आंकड़े आपको बता रहे हैं, जहां पर आंध्र प्रदेश में 23.10% वोटिंग हुई है, तो बिहार में 22.54% वोटिंग अब तक हो चुकी है। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है। 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले चौथे चरण के मतदान से जुड़ी अलग अलग कई तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप देख पा रहे हैं वोट कास्ट करते हुए। सांसद AIMIM असदुद्दीन ओवैसी भी मतदान करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। एनसी नेता भी वोट करने पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ माधवी लता भी वोट कास्ट करने पहुंची, बीजेपी प्रत्याशी हैं। एक्टर्स भी पहुंच रहे हैं। अल्लू अर्जुन, साउथ के बड़े सुपरस्टार ने वोट कास्ट किया। मुख्यमंत्री एमपी के भी पहुंचे मोहन यादव, जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया। जगदीश देवड़ा भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और डिप्टी सीएम एमपी के, इन्होंने भी वोट कास्ट किया है। जीतू पटवारी से लेकर तुलसी सिलावट, मंत्री एमपी के, पूर्व सीएम भी वोट कास्ट करने पहुंचे हैं चंद्रबाबू नायडू, और इसके साथ साथ साक्षी महाराज ने भी वोट कास्ट किया है, बीजेपी नेता हैं। एक्टर पहुंचे हुए हैं, जूनियर NTR फेमस एक्टर, और जितिन प्रसाद ने भी वोट कास्ट कर लिया है, बीजेपी के दिग्गज नेता है, बीजेपी प्रत्याशी। सुधीर गुप्ता, कैलाश विजयवर्गीय, वेंकैया नायडू, और इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री, एक्टर से लेकर गुमान सिंह डामोर और कांतिल भी, जितिन प्रसाद भी वोट कास्ट करने पहुंचे। वेंकैया नायडू, अर्जुन मुंडा, मोहन यादव सीएम, फारूक अब्दुल्ला भी वोट कास्ट करने पहुंचे, पवन कल्याण, असदुद्दीन ओवैसी, माधवी लता, गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज, जी किशन रेड्डी, YS जगनमोहन रेड्डी, चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन, NTR, जूनियर NTR से लेकर सभी ने अपने वोट को कास्ट किया है। अग्रिमित्र पॉल से लेकर जितिन प्रसाद भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मतों का प्रयोग किया। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में यह तस्वीरें वाकई बेहद सुखद होती हैं, जहां पर लोग बखूबी समझते हैं कि उनका एक एक वोट कितना मायने रखता है, और यही वजह है कि सुबह से जब वोट कास्ट करना होता है 7 बजे, उससे पहले ही पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती है, और वोटर जो है वो इतने जागरूक है कि वो चाहते हैं कि पहला वोट वही कास्ट करे, और इसके लिए होड़ भी मची हुई दिखाई देती है। SS राजामौली वोट कास्ट करने पहुंचे, MM किरवानी, चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन, NT रामाराव जूनियर, पवन कल्याण, ये वो बड़े स्टार्स जो फिल्मी जगत में काफी ज्यादा सक्सेस पा चुके हैं, और फिल्मी सितारे भी वोट कास्ट करने के लिए जमीन पर उतरे हुए हैं, कई दिग्गज।